चलती है भाई ये लिफ्ट है भाई, इसी कॉलेज के हो? तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? तो सब बढ़िया हो ना? तो अभी अभी आप लोगों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिए होंगे और वेट कर रहे हो कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और हमें कब कॉलेज अलॉट होगा, है ना? तो बहुत टेंशन हो रही होगी कि कौन सा कॉलेज बढ़िया होगा, किसमें प्लेसमेंट्स अच्छी होगी, व्हाटएवर सारी चीज़ें कि कैंपस कैसा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में अगर बता देता हूँ, मेरा नाम हेमंत है और मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ फ्रॉम आईपीयू से। तो मैंने सोचा कि यार मैंने अपने टाइम पे जो कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस करी थी कि यार कैंपस कैसा मिलेगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा और वहाँ का प्लेसमेंट्स कैसा होगा, कैंपस लाइफ कैसी होगी, तो आप लोग ये प्रॉब्लम ताकि फेस ना कर पाओ, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने चैनल पे जितने भी आई पी के कॉलेजेस हैं उन सबके रिव्यूज़ कर दो, एक बार कैंपस टूर करा दो ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कैंपस अंदर से कैसा है और प्लेसमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें आपको पता लगे। तो आज हम बात करेंगे GDBIT कॉलेज के बारे में, जिसका पूरा नाम है गुरु तेज बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो मैं कॉलेज की रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरे कॉलेज का एक बार कैंपस टूर कराने वाला हूँ। तो उसमें आपको पूरे कॉलेज की सारी चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि कॉलेज का क्लासरूम्स हो गई, इसकी कैंटीन्स हो गई, ग्राउंड्स, इसके बिल्डिंग्स वगैरह, जो भी और भी जो भी चीज़ होती है कॉलेज में, मुझे जो भी दिखेगी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो एक बार जाओ, इस वीडियो को पूरी देखो, देन उसके बाद कॉलेज रिव्यू पे आते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये कॉलेज की एंट्रेंस है और यहाँ पे आपको ये फुहारा मिल जाता है। बाकी अभी तो ये एडमिन ब्लॉक है इनका, अंदर चलेंगे अभी एडमिन ब्लॉक के। और यहाँ पे ये छोटा सा गार्डन टाइप बना रखा है इनका, ज़्यादा बड़ा गार्डन नहीं यहाँ पे ज़्यादा। पहले इस बिल्डिंग में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यार वो कॉलेज की एंट्रेंस गेट है, यहाँ से कॉलेज का ये स्टार्ट हो जाता है। एंड देन यहाँ पे ये पहला ब्लॉक है और इसी में लाइब्रेरी है, तो अभी मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा। देन ये इनका सेकंड ब्लॉक है, ये यहाँ से इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग का एक ब्रिज बना रखा था कि बच्चों को अगर जाना हो तो फिर। देन यहाँ पे ये इनका स्टेज हो गया और ये इनका ग्राउंड हो गया, और सामने जो आप एक बिल्डिंग देख रहे हो ये भी इनकी बिल्डिंग है, और ये इनकी वर्कशॉप्स की बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक लाइब्रेरी बनी हुई है। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर और सारे बिल्डिंग्स में दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। और साइड में आप जो कार पार्किंग देख रहे हो ये सारी टीचर्स की है, और अगर स्टूडेंट्स को करनी है तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है। और उस साइड आप लेफ्ट साइड जो देख रहे हो उस साइड बच्चों की स्कूटी बाइक अगर बच्चे लाते हैं तो वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। बाकी कार पार्किंग की कॉलेज के अंदर तो कोई फैसिलिटी मुझे दिखी नहीं, बट हाँ बच्चे कह रहे थे कि अगर बच्चे कह रहे थे कि अगर ये परमिशन ले लेते तो कार पार्किंग अंदर कर सकते। बाकी कॉलेज के बाहर भी स्पेस है पार्किंग के लिए, तो कोई इशू नहीं है ऐसा। और यहाँ पे ये फुटबॉल का ये बना तो रखा है, बट लगता नहीं यहाँ पे कोई खेलता भी होगा, बट बच्चे यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और ग्राउंड ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलो कॉलेज के अंदर क्लासरूम्स वगैरह में चलते हैं और दिखाते हो अंदर कैसा है। गाइस इस कॉलेज के वर्कशॉप्स रूम हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी पड़े हैं यहाँ पे इनके, और ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ बच्चे वगैरह अपना काम वगैरह भी कर रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होंगे यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो, और ये बाहर की इनकी लैब है, मतलब ये दो लैब है इनके वर्कशॉप्स की, एक अंदर है और एक बाहर है यहाँ पे। और पीछे सारा बिल्डिंग वगैरह का जो मैकेनिकल वगैरह के वर्क्स होते हैं तो वो सब के भी यहाँ पे अच्छे से लैब वगैरह बना रखे। तो ये इनका ऑडिटोरियम है यहाँ पे, दिस इज द ऑडिटोरियम। अभी फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से बंद होगा, नहीं अंदर कुछ चल रहा है, अंदर कुछ चल रहा है। और ये इनका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स इनके यहाँ हुई है उसका लगा हुआ है। और यहाँ पे लिफ्ट भी है, चलती है भाई ये लिफ्ट है भाई, इसी कॉलेज के हो? अब मैं आपको ये कॉलेज का बैक साइड दिखा देता हूँ। ये कॉलेज का बैक साइड है, तो ये सारे जितने भी गाड़ी पार्कड हो रही है टीचर्स की और ये स्कूटी और बाइक वगैरह, तो स्टूडेंट्स वगैरह अपनी पार्क कर सकते हैं अंदर।
और बाकी गाड़ियाँ वगैरह तो टीचर्स की ही है। और अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल लाते हो गाड़ी, तो आपको गाड़ी के लिए परमिशन लेनी पड़ती है कॉलेज के अंदर पार्क करने के लिए। देन आगे देखते हो आगे क्या है। और हाँ, ये सामने जो आपको दिख रहा है ये कैंटीन है कॉलेज का, तो अभी कैंटीन में भी दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिल जाता है। आप देख सकते हो कितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, और ये सामने अलग ब्लॉक है इनकी, कैंटीन में बच्चे तो है। अभी अंदर दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है। तो आप सामने यार कैंटीन में आपको चिप्स और क्या क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे मैगी, छोले चावल, कड़ी चावल, बाकी सारी चीज़ें मिल जाती है। नीचे गाने चल रहे हैं, तो देखते हैं नीचे क्या है यहाँ पे इनके। हाँ, मुझे तो लग रहा है डांस वाले बच्चों का वो है, तो वो देखो। तो ये रहा इनका नाट्य। अच्छा, ये सोसाइटी है डांस वाली, तो यहाँ पे ये सब भी है। लिफ्ट तो इनका नाम का ही है भाई, ये तो चलता ही नहीं है। नहीं आ रहा कि भाई, लिफ्ट बेकार है यहाँ की, कॉलेज का लिफ्ट बेकार है भाई। और क्या भाई बंद। तो गाइज ये इस कॉलेज का बंदा है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो, इसको पता होगा। इंस्टाग्राम आईडी भाई की नीचे शो रही होगी। तो चलो बाहर निकलते हैं ऐसे खंडर से। तो यार ये यहाँ के लैब रूम्स आप देख सकते हो, बच्चों की प्रेजेंटेशन चल रही है अभी यहाँ पे। और आप देख सकते हो लैब रूम्स में आपको एसी मिल जाती है। और ये तो फिज़िक्स की लैब है, आप सामने देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी पड़े हैं पीछे की साइड, ये सामने जो भी दिख रहा है आपको। तो दोस्तों, आपने पूरे कॉलेज का एक बार टूर ले लिया होगा कि यहाँ की कैंटीन कैसी है और कॉलेज अंदर से कैसा दिखता है, तो बाकी सारी चीज़ें आपको दिख गई होगी। तो अब इसके रिव्यू पे आते हैं। तो इस कॉलेज के बारे में आपको बता दूँ, इसका पूरा नाम जो है गुरु तेज बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, शॉर्ट फॉर्म में इसको GTBIT भी कहा जाता है। तो इंस्टीट्यूट टाइप ये प्राइवेट ही है, बट ये IP अफिलेटेड कॉलेज ही है। फिर इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ, तो एस्टैब्लिश हुआ था ये 1999 में, और लोकेशन इसकी न्यू दिल्ली ही है। देन इसकी कनेक्टिविटी की मैं बात कर ले, तो कनेक्टिविटी आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी कि ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर है, और 3 रेलवे स्टेशन जो है इसके पास है। पहला है न्यू दिल्ली जो कि 13.5 किलोमीटर है, देन हज़रत निज़ामुद्दीन जो 23 किलोमीटर है, एंड आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो है वो 34.5 किलोमीटर है। फिर मैं इसकी बात करता हूँ मोड ऑफ एडमिशन की, यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस और एडमिशन के लिए आपको क्या क्या परसेंटेज, क्या क्राइटेरिया होने वाला है। तो आपको जो बोर्ड में है 55% मिनिमम लाने पड़ेंगे PCM में, और आपको इंग्लिश में सेपरेटली अलग से पास होना कंपलसरी है। फिर वही प्रोसेस सेम जो हर IPU कॉलेजेस के लिए होता है, आपको IPU का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी, उसकी काउंसलिंग में पार्ट लेना पड़ेगा। फिर आपकी जितनी परसेंटेज आएगी और इस कॉलेज की जितनी क्राइटेरिया रहेगी, उस हिसाब से आपको अलॉट होती है सीट। अगर आपको CS चाहिए, IT चाहिए, या EC या EEE, तो जो भी चाहिए आपको, और आपकी जो रैंक होगी उस हिसाब से आपको वो अलॉट की जाती है। तो उसके बारे में भी बात करूँगा कि कितने कितने रैंकिंग में आपको CS, IT और EC मिलती है। फिर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ के कोर्स ऑफर्ड, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये जो दो कोर्स अभी न्यू आए हैं, ये अभी लास्ट ईयर से ही आए हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट भी आपको मिल जाती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेकेंड शिफ्ट भी आपको यहाँ मिल जाती है। फिर मैं यहाँ पे सीट्स की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे सीट्स कितनी कितनी अवेलेबल है। तो आपको दिख रही होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में यहाँ पे 60 सीट्स अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में 60 सीट्स है। देन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 120 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 120, और IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी 120 है। तो टोटल आपको फर्स्ट शिफ्ट में मॉर्निंग में 480 सीट्स मिल जाती है, और जो सेकेंड शिफ्ट होती है यहाँ की आफ्टरनून, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस की आपको 60 सीट्स मिलती है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की भी आपको 60 सीट्स मिल जाती है। तो टोटल यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में 120 सीट्स होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्या है, 85% जो होते हैं सीट्स वो रिजर्व होती है फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स। तो जो दिल्ली के बच्चे होंगे उनके लिए प्रॉफिट हो जाता है, बट स्पॉट राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्पॉट राउंड में अगर कोई बाहर का स्टूडेंट्स भी आता है तो उन सब के लिए सेम ही मानी जाती है। फिर मैं आपके इसकी रैंक की बात करें, तो जो लास्ट ईयर इसमें आपके कट ऑफ गए हैं, तो जो लास्ट ईयर इसका कट ऑफ गया था आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शिफ्ट वन जो हुआ था तब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में मिनिमम रैंकिंग इसकी 61,491 और मैक्सिमम 82,477 गई थी। फिर आपको मशीन लर्निंग की भी दिखी होगी 64,936 और मैक्सिमम 85,325।
कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 36,645 और मैक्सिमम इसकी 60,431, ईसीजी 76,952 और मैक्सिमम इसकी गई थी 98,715 और आईटी की यहाँ पे गई थी 61,185 और मैक्सिमम रैंकिंग गई थी 74,467। ये इसकी फर्स्ट शिफ्ट की बात होगी। देन यहाँ पे आपको सेकंड शिफ्ट की भी आपको शो ही होगी कि सीएस और आईटी में कितनी कितनी रैंकिंग गई थी और कितने कितने रैंक वाले बच्चों को यहाँ पे सीएस आईटी और ईसी वगैरह मिली थी। तो ये तो बात होगी यहाँ पे राउंड वन में। फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी ये राउंड टू की रैंकिंग्स है, आप एक बार वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। देन यहाँ पे आपको इसकी शिफ्ट टू भी दिख जाएगी कि इसकी रैंकिंग कितनी जा रखी है। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे मिनिमम 69,826 और मैक्सिमम 76,904 और आईटी में 81,584 और मैक्सिमम रैंकिंग 97,277 गई है। देन ये आपको स्क्रीन पर जो दिख रही है ये राउंड थ्री की रैंकिंग्स है, तो आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे शिफ्ट वन में कितनी कितनी रैंक्स गई हुई है। देन आपको यहाँ पे शिफ्ट टू की भी दिख रही होगी, शिफ्ट टू में भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 71,696 और मैक्सिमम यहाँ पे 79,113 और आईटी की यहाँ पे 81,584 और मैक्सिमम यहाँ पे गई है 1,23,442। तो यहाँ से आपको इसकी कट ऑफ की पता लग गया होगा कि आपकी कितनी कट ऑफ, कितनी रैंक्स आई हुई है और आपको इस कॉलेज में कितनी रैंक तक, कौन सी स्ट्रीम, कौन सी ब्रांच आपको मिल जाएगी। देन मैं आपने इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो फीस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो होगी, इसकी जो फीस है वो 1,24,900 है और बाकी आप पूरा इसका देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर में, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई है, ट्यूशन फीस, यूनिवर्सिटी फीस, वन टाइम फीस और जो रिफंडेबल फीस होती है वो 5,000 होती है। देन यहाँ पे हम इसके कॉलेज के कुछ प्लेसमेंट्स की बातें कर लेते हैं। आपको प्लेसमेंट्स यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे कि जो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज दिया है यहाँ पे लिखा हुआ है 28.50 lakhs पर एनम ऑफर टू 3 स्टूडेंट्स बाय अमेजोन, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। फिर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है 22 lakh पर एनम ऑफर टू 3 स्टूडेंट्स बाय थ्री एंड्स। फिर यहाँ पे 12 lakh पर एनम बाय वन स्टूडेंट बाय जोमैटो, 10.50 lakh टू वन स्टूडेंट बाय एडवर्ब, 10 lakh पर एनम टू वन स्टूडेंट बाय ट्रैकलो, 10 lakh पर एनम टू 2 स्टूडेंट्स बाय पेटीएम एंड 10 lakh पर एनम ऑफर टू 1 स्टूडेंट बाय बायजूस। तो आपने देखा कि यहाँ की जो प्लेसमेंट्स है वो भी काफ़ी डिसेंट है। फिर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज जो आती है प्लेसमेंट्स के लिए बच्चों को हायर करने आती है, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी। आप देख सकते हो HCL, Infosys, Acquora, NIIT, Unisys, Hitachi और भी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जो यहाँ पे विजिट करती है बच्चों को हायर करने के लिए। और इस कॉलेज का जो अभी तक का हाईएस्ट पैकेज गया है वो 44 lakh का हाईएस्ट पैकेज गया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और जो लोएस्ट पैकेज है यहाँ का वो 4 lakh पर एनम का जा रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि 70% जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के उनको प्लेसमेंट्स लग जाती है और बाकी मैंने कैंपस में भी बच्चों से भी बात करी तो उन लोगों ने भी बहुत सही बात बताई कि यहाँ पे जो बच्चे हैं जैसे GDSE ग्रुप्स हैं यहाँ के गूगल डेवलपर्स का, तो वो लोग बहुत अच्छे एक्टिव रहते हैं इस कॉलेज में और जितने भी इवेंट्स होते हैं गूगल और कोडिंग वगैरह पे तो यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी और आपको जैसे बताया कि 70% जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ की प्लेसमेंट्स लग जाती है और काफ़ी डिसेंट अच्छी पैकेजेस यहाँ पे मिलते हैं बच्चों को। तो ये सारी बातें तो हो गई कॉलेज की। अब मैं इसी कनेक्टिविटी की बात कर ले तो अगर आप आसपास कहीं रहते हो तो आप कैसे यहाँ कॉलेज तक पहुँच सकते हो, तो अगर आप कहीं भी रहते हो आपको ब्लू लाइन से आपको सुभाष नगर पहुँचना पड़ेगा। सुभाष नगर पहुँच के आपको नीचे रिक्शा मिल जाता है, रिक्शे वाले आपको 10 rupees चार्ज करते हैं, आपको कॉलेज तक छोड़ देते हैं। और अगर आप यहाँ पे दूसरी कनेक्टिविटी भी है मेट्रो की, अगर आप आते हो पिंक लाइन से तो आपको पिंक लाइन से मायापुरी आना पड़ेगा, मायापुरी से आपको भी रिक्शा मिल जाएगा तो वो भी आपको कॉलेज ड्रॉप कर देता है। तो नियरेस्ट मेट्रो आपके यही होगा मायापुरी एंड सुभाष नगर। तो अब बात करते हैं कॉलेज की कैंपस की फैसिलिटीज़ कैसी है। तो यहाँ पे क्या है ग्राउंड की थोड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ग्राउंड वगैरह नहीं है, मतलब है छोटा सा ग्राउंड है बट नॉट इतना बड़ा नहीं है। बट हाँ एक चीज़ है कि कॉलेज के बाहर ही एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है रसोड़ी गार्डन का, तो आप अगर स्पोर्ट्स वगैरह खेलना पसंद है तो आप वहाँ पे अपना पास बनवा सकते हो और वहाँ पे आप अपना खेल सकते हो। और जो यहाँ के कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी खेलते हैं कॉलेज के, क्योंकि आसपास बहुत सारे पार्क्स वगैरह हैं तो जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स बास्केटबॉल और क्रिकेट वगैरह की जो भी सोसाइटीज़ होती है तो वो सारे बच्चे वहीं अपना गेम वगैरह खेलते हैं। और अंदर कॉलेज के जो टीचर्स वगैरह वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए या पूछनी होती है तो टीचर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। और यहाँ पे मैं अटेंडेंस की बात कर सकता हूँ कि अटेंडेंस इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में तो हर कॉलेज में होता ही है बट सेकंड ईयर से इतना ज़्यादा आपको इशू नहीं होगा कॉलेज में अटेंडेंस के लिए, तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सारी बातें थी जो मैंने आपको शेयर करी GTVIT कॉलेज के बारे में। तो इसका मैंने आपको फुल रिव्यू बताया, अंदर कैंपस की फैसिलिटीज़,
और कॉलेज का टूर, कैंपस टूर कैसा रहा अंदर से, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे नीचे इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस आए थे मैं सबकी डिटेल वीडियो भी डालने वाला हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।